लघु उद्योगों व व्यापारियों की आर्थिक व्यवस्था गिरने के कारण पब्लिक स्कूलों द्वारा फीस कम करने व स्कूलों को खोलने के संबंध में शिवसेना ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन हस्तगत कराया। मुरादाबाद लॉकडाउन के उपरांत मुरादाबाद में आम नागरिक बल लघु उद्योगों व्यापारियों की आर्थिक व्यवस्था गिरने के कारण पब्लिक स्कूलों द्वारा फीस कम करने व स्कूल खोलने के संबंध में एक ज्ञापन शिवसेना द्वारा जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि अभिभावकों द्वारा मुरादाबाद में स्कूल खोले जाने के संबंध में ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान भी चलाए गए। अभिभावक व आम नागरिक राज्य सरकार के स्कूल खोलने के निर्णय के विरोध में है। वहीं शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि मुरादाबाद की स्थिति को देखते हुए अभिभावकों की मांग को जिला अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से संज्ञान में लाकर अधिकतम फीस माफ की जाए व कोरोना वायरस की दृष्टिगत पूरी समीक्षा करके स्कूलों को खोलने का आदेश पारित किया जाए। शिवसेना का जिला प्रमुख और सब हम शिवसेना के पदाधिकारी आज ना जिस तरह से फीस को लेकर के पूरे राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से भी ज्ञापन भी दे रहे हैं, हम भी इससे पूर्व में दे चुके हैं और एक हस्ताक्षर अभियान भी अभी पूरे मुरादाबाद के अंदर अभिभावकों के द्वारा भी चलाया गया, शिवसेना द्वारा भी चलाया गया और मुख्यमंत्री तक भी ये बात हो चुकी है और हम सब लोगों ने इसमें पूरा प्रावधान दिया है, इसमें एक्ट भी लगाया कि किस लिए हम लोगों को फीस माफी होनी चाहिए। जो खर्चे कम हुए हैं, जिस तरह से देश के अंदर सरकार ने लघु उद्योग व्यवसायियों और सभी चीजों को देखते हुए लोगों को ऋण माफी से लेकर किसानों को देखते हुए, गरीब कमजोर लोगों को देखते हुए, व्यापार की स्थिति को देखते हुए हर जगह कहीं ना कहीं रिबेट दिए, छूट दिए हर तरह से, तो स्कूलों में भी आज अभिभावक लोगों का कहना ये है और पूरे मुरादाबाद की राजनीति को शिवसेना का कहना ये है कि हम लोगों को या अभिभावकों को इसमें छूट मिलनी चाहिए, अधिकतम छूट फीस में देनी चाहिए और फीस को के साथ साथ एक जो निर्णय जो लगातार दिखाई दे रहा है टीवी चैनलों पर भी आ रहा है और मंत्री लोग भी बोल रहे हैं राज्य सरकार की स्कूल खोल दिए जाएंगे। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, देश के अंदर कोरोना की स्थिति बढ़ती चली जा रही है, हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करिए कि आज जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे एक समीक्षा करें कि कोरोना से किसी भी तरह से कोई क्षति ना हो, हमारे यहाँ जो बच्चे हों इनकी को कोई नुकसान ना हो, स्कूल जब ही खोले जाए। अभिभावकों की मांग यही है कि जब कोरोना पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, उसकी स्थिति हो, कि लगातार सरकार एक तरफ तो घोषणा कर रही है बुजुर्ग और बच्चों को अंदर बिठाया जाए, दूसरी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि विद्यालय खोले जाएंगे, तो इसका भी हम शिवसेना पूरी तरह से विरोध करती है कि कोरोना जब तक है कोई विद्यालय खोले नहीं जाने चाहिए, फीस माफी होनी चाहिए। अगर इस पर प्रशासन ने इस पर निर्णय नहीं दिया तो शिवसेना हाईकोर्ट में इस पर पिटीशन दायर करने जा रही है, उसी को लेकर के आज हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, वो नहीं मिले तो जिला प्रशासन अधिकारी जो है उनको एडीएम साहब को ज्ञापन दिया और अगर इस पर तीन दिन चार दिन में निर्णय कोई नहीं लेता प्रशासन तो हम इसमें हाईकोर्ट में रीट करने जा रहे हैं।